फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाना इतना आसान नहीं है। दर्शक हमेशा चाहते हैं कि हीरो की ही जीत हो। माना जाता है कि तभी फिल्म हिट होगी जब क्लाइमेक्स में हीरो विलेन का अंत कर दे। लेकिन एक फिल्म के लिए जरूरी बात यह भी है कि फिल्म का विलेन जितना मजबूत होगा उतनी ही फिल्म स्क्रीन पर पावरफुल दिखेगी। ये सब बातें हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों में से एक विलेन की बात करने जा रहे हैं, जो फिल्म में गए तो हीरो का रोल मांगने थे लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें गार्ड की नौकरी ऑफर कर दी। हालांकि इस विलन की असली जिंदगी में हीरो की तरह ही लड़ाइयां हुई हैं और डायरेक्टर से इन्होंने बदला भी लिया है। आज हम इनके सुपरस्टार बेटे के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप बॉलीवुड प्रेमी हैं तो शायद आप अब तक समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है बॉलीवुड के साथ ही नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड की फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभा चुके डैनी डेंजोगप्पा की। डैनी का कांचा चीना किरदार शायद ही आप भूल पाए होंगे। इसके अलावा बख्ताबर, खुदा बख्श जैसे किरदारों से उन्होंने दर्शकों के दिलों में सदा के लिए जगह बना ली है। डैनी का जन्म सिक्किम के एक छोटे से राज्य में हुआ था। इनका असली नाम टिशरिंग पेटशाह है। छोटे से राज्य से आकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाले डैनी की कहानी काफी रोमांचित रही है। बॉलीवुड में करियर बनाने की सोच रखने वाले सैकड़ों युवाओं के बीच डैनी ने भी FTII का रुख किया। उनके दिन रात डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटने में ही बीत गए। डैनी काम की तलाश में मुंबई के जुहू इलाके में पहुंचे। यहीं पर उन्होंने धर्मेंद्र, मनोज कुमार और अन्य एक्टर के बंगले देखे। तभी डैनी की नजर मोहन कुमार के बंगले पर पड़ी। मोहन कुमार के बंगले में सिक्किम के कई गार्ड थे। ऐसे में डैनी को उनके बंगले में आसानी से एंट्री मिल गई। बंगले के अंदर जाने के बाद डैनी ने मोहन कुमार से मुलाकात की। मोहन कुमार के सामने उन्होंने एक्टर बनने की इच्छा रखी तो मोहन उन पर जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि तुम मेरे बंगले में गार्ड की नौकरी कर सकते हो। बस यही वो दिन था जिस दिन डैनी ने संकल्प लिया कि वो मोहन कुमार के बंगले के पड़ोस में ही अपना बंगला बनाएंगे। इसके बाद डैनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आखिरकार मोहन कुमार के बंगले के पड़ोस में ही जमीन खरीद कर उन्होंने अपना बंगला भी बनाया। बॉलीवुड में खुद को विलेन के रूप में स्थापित करने वाले डैनी के शुरू के करियर काफी पॉजिटिव किरदार से बीते थे। उन्होंने 1971 में आई फिल्म मेरे अपने में सकारात्मक भूमिका निभाई। इसके दो साल बाद 1973 में उन्होंने B.R. चोपड़ा के फिल्म धुन में अपनी पहली बार विलेन के रोल की भूमिका निभाई। डैनी ने 1990 तक करीब 190 फिल्में की। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर ब्रैड पिट के साथ साल 2003 में 7 Years in तिब्बत की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। जहां फिल्म गब्बर ने अमजद खान के करियर को एक नई पहचान दी, वहीं डैनी ने ये रोल ठुकरा दिया था। दरअसल गब्बर का रोल पहले डायरेक्टर रमेश शिपी ने डैनी को ही ऑफर किया था। एक इंटरव्यू के दौरान डैनी ने इस बात का खुलासा किया था कि रमेश शिपी ने उन्हें शोले फिल्म ऑफर की थी, लेकिन तब तक वो धर्मात्मा फिल्म के लिए फिरोज खान को डेट दे चुके थे। फिरोज खान ने अफगानिस्तान में फिल्म की शूटिंग की परमिशन भी ली थी। ऐसे में उन्हें गब्बर के रोल को ना कहना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गब्बर का रोल मना करने का कोई मलाल नहीं है। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया कि एक्टर ने कहा कि क्योंकि शोले में अमजद खान की जबरदस्त एक्टिंग के चलते इंडस्ट्री में उनकी फीस काफी बढ़ गई थी, ऐसे में उनकी फीस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई और इसका फायदा उन्हें हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान डैनी ने अपने अफेयर के बारे में खुलासे की बात की कि बेबी, जयहो, 16 दिसंबर और अग्निपथ जैसी फिल्मों में काम कर चुके डैनी का अफेयर 70 के दशक में करीब 4 साल तक प्रवीण बॉबी के साथ रहा। दोनों बिना शादी के साथ रहते थे, जो उस वक्त ये बहुत जानी मानी हीरोइन थी। डैनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ और वो हमेशा दोस्त रहे थे। डैनी डेंजोगप्पा की पत्नी गावा डेंजोगप्पा काफी खूबसूरती के मामले में किसी अभिनेत्री से कम नहीं है। इतने बड़े स्टार की पत्नी होने के बावजूद भी वो सोशल मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहती है। डैनी के दो बच्चे हैं, बेटा रिंजिंग और बेटी पेमा। डैनी के बेटे रिंजिंग डेंजोगप्पा ने साल 2021 में एक्शन फिल्म स्क्वाड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।